हेलो एवरीवन, वेलकम। एंड आई एम सॉरी काफी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं, बिकॉज आई वाज क्वाइट बिजी, बट आई प्रॉमिस अब से रेगुलर लेक्चर्स होंगे। सो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक टाइप का क्रैश कोर्स है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर लगा लो। तो इसको इस क्रैश कोर्स को मैंने थर्मोडायनेमिक्स 3 to 4 क्लास में डिवाइड किया। आज हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम हमारी आते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। सिस्टम क्या होता है? वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसको हमने विच इज अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे कि सपोज करो मैंने एक बीकर में पानी रखा हुआ है, आप उस बीकर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो जो बीकर है उसके अंदर पानी है वो आपके लिए सिस्टम हो गया, और जो बाकी की लैब है वो आपके लिए सराउंडिंग होगी। मतलब सराउंडिंग क्या होता है? रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इसका सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला के हमारा क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है, ठीक है। तो यहां से हमारी तीनों टर्म्स क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद सिस्टम 3 types का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, मास और एनर्जी हमारी दोनों एक्सचेंज हो रही होती है। सपोज करो आप एक बर्तन है, उसके अंदर आप चाय बना रहे हो, तो उसके अंदर आप उसको हीट कर रहे हो, तो एनर्जी तो चेंज हो रही है, और मास क्योंकि वो चाय रिड्यूस होती जाएगी थोड़े टाइम के बाद, तो मास भी एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एग्जांपल हो गया ओपन सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रही है। सेकंड आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में सिर्फ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, मास हमारा एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, सपोज करो आप एक मतलब एक बीकर है, उसके अंदर पानी गर्म कर रहे हो, उस बीकर को आपने क्लोज कर दिया है, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होगी क्योंकि हीट हो रहा है वो बीकर, लेकिन मास एक्सचेंज नहीं होगी। क्योंकि क्या होगा, अगर हम इसको क्लोज है तो जितने भी वाटर वेपर्स बनेंगे वो वापस इसी के अंदर गिरते जाएंगे, तो मास का कोई लॉस नहीं होगा, इसलिए क्या है, क्लोज सिस्टम एग्जाम्पल है। उसके बाद आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड में क्या होता है, ना तो हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती और ना ही हमारा मास एक्सचेंज होता, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया आप थर्मोफ्लास्क, जैसे कि हम किसी भी थर्मोफ्लास्क में अब टी रख देते हैं तो वो काफी टाइम तक क्या रहती है, गर्म रहती है, और ना उससे मतलब मास्क भी एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन कोई भी सिस्टम होता है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड नहीं होता, कुछ टाइम के लिए ही आइसोलेटेड होता है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल बताओ, देखो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी किस टाइप का सिस्टम है? ह्यूमन बॉडी हमारा कैसे ओपन सिस्टम है, कैसे? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर हम खाना खा रहे हैं तो मास भी चेंज हो रहा है, ठीक है, और एनर्जी हम भागते हैं तो गर्मी लगती है, पसीने आते हैं, तो वो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा है। ह्यूमन बॉडी किसका एग्जाम्पल है? हमारा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। दो टाइप की होती है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। देखो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको ये टर्म मतलब एक्जैक्टली समझ नहीं हो, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रही हूँ। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि हमारी इंडिपेंडेंट होती है किसी भी मतलब कंडीशन के, ठीक है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है किसी भी कंडीशन पे। मतलब अगर उसको हाफ कर देंगे, जैसे सपोज करो ये हमारा बीकर है, इसके अंदर 5 liter पानी लिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम है 5 liter। अब आप इसको हाफ डिवाइड कर दोगे तो इसमें 2.5 liter रह जाएगी, इसमें 2.5 liter रह जाएगी, तो वॉल्यूम क्या होगी, डायरी होगी, पहले तो 5 थी, अब 2.5 होगी, तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि इसको हमने हाफ किया, तो इसका मतलब वॉल्यूम, मास, एंट्रोपी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, जितने भी एंगल एक्सटेंसिव हो जाएंगे। इंटेंसिव में हमारे आएगा टेम्परेचर, प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और हमें ये पता है डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, मास क्या होता है हमारा एक्सटेंसिव होता है, और ये भी क्या होता है हमारा एक्सटेंसिव होता है वॉल्यूम। तो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव बनेगा, जो कि हमारा डेंसिटी है, ठीक है। अगर हमें कोई भी टर्म स्पेसिफिक दी जाए, मोलर दिया जाए, जैसे मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो अगर उनके आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लिखा होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, इंटेंसिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होता है हमारा जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है। देखो जैसे हम ए से बी में जा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारे जो फंक्शन है वो ए और बी पे ही डिपेंड करता है, मतलब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट क्या है, लेकिन जो पाथ फंक्शन है वो हमारे डिपेंड करेगा पाथ पे, कि हम ऐसे जा रहे हैं घूम के या सीधे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन हमारे तीन ही होते हैं, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी, बस यही हमारे तीन है पाथ फंक्शन। बाकी जितने बच गए, जितनी भी टाइप की एनर्जी बच गई, एंथैल्पी बच गई, ठीक है, ये सभी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन की एक और वो होती है कि जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है किसी भी स्टेट फंक्शन का, वो किसके लिए होता है, जीरो के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन पाथ फंक्शन में ये कंडीशन फॉलो नहीं होती कि साइक्लिक इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का वो जीरो नहीं होता पाथ फंक्शन में, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी वो होता है कि जितनी भी एनर्जी है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी है हमारी सिस्टम में, सराउंडिंग में, यूनिवर्स में, उन सबका सम हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब हम इंटरनल एनर्जी है जो, उसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके हम क्या निकालते हैं, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालते हैं। मतलब ये हमें क्या बता रहे, चेंज बता रहे, ठीक है। तो चेंज क्या हो गया, U2 - U1, ये हो गया चेंज। और इंटरनल एनर्जी मैंने आपको ऊपर बताया था क्या है, हमारा स्टेट फंक्शन है, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, सपोज करो वो भी हम डिस्कस करेंगे, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमने टेम्परेचर क्या रखा, कांस्टेंट रखा, तो जो हमारा यू है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हमारा फंक्शन है टेम्परेचर का।
आगे आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इसमें वही डेफिनेशन होती है जो हम बचपन से पढ़ते हैं क्या, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। लेकिन इसकी एक और डेफिनेशन होती है जो हम थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते हैं, वो क्या है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल यू क्या चेंज हो गया, क्यू क्या हीट हो गया और डब्ल्यू क्या हो गया वर्क डन हो गया। ठीक है, इसकी साइन कन्वेंशन आप इसको याद रखना, साइन कन्वेंशन आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे। आप पे मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना, वरना एग्जाम में बहुत बड़ी गलती हो जाती है साइन कन्वेंशन की वजह से। आपको बस याद रखना है डेल यू है जो वो क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है। साइन कन्वेंशन याद रखने का मेन जो ट्रिक बनाई है वो देखो, ट्रिक क्या है, देखो सिस्टम है, अगर हम इसके अंदर वर्क करवा रहे हैं, पहले समझ लो उसके बाद मैं ट्रिक बता दूंगी। अगर सिस्टम के अंदर वर्क करवा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, सिस्टम को हम वर्क कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो ये सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है तो क्या होगा, एक्सपेंशन हो गया। सिस्टम वर्क कर रहा है एक्सपेंशन हो गया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और अगर सिस्टम हीट को निकाल रहा है तो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको आप याद कैसे रखना, देखो ये सिस्टम बनाया हमने यहाँ पे हमारा कोई भी, ठीक है, अगर इसके अंदर ऐसे एरो आ रहे मतलब इसकी तरफ आ रहे सिस्टम के अंदर एरो आ रहे तो वो पॉजिटिव होगा, चाहे हीट का होगा या वर्क का होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये सिर्फ याद नहीं, ठीक है, बाकी जो कंसेप्ट है वो तो आपको मैंने समझाई दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं, ये तीन टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, मेरे पास चार टाइप के होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो आइसोबारिक होता है, आइसोबारिक में क्या होता है, जो चेंज इन प्रेशर होता है वो जीरो होता है, मतलब जो पी है वो कॉन्स्टेंट होता है, इसमें जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंट होता है। इसमें आपको क्या करना है, आपको करना है आइडियल गैस इक्वेशन लेनी है, जिसमें वो क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होते हैं, हमें पता है बचपन से पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना है। अगर हम प्रेशर कॉन्स्टेंट रख देंगे, देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाया, इसमें अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है तो यहाँ से वी बाई टी क्या हो गया, एन आर बाई पी, तो एन आर बाई पी क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आइसोकोरिक, आइसोकोरिक क्या होता है, डेल वी इक्वल टू जीरो होता है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है, मतलब वी कॉन्स्टेंट होता है, तो वी कॉन्स्टेंट ऐसे ग्राफ बनेगा, वी कॉन्स्टेंट यहाँ पे भी ऐसे ग्राफ बनेगा। और पी बाई पी और टी का ग्राफ बनाया तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी कर देंगे, पी बाई टी करना है तो पी बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई वी, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमारा, उसके बाद हमारा आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं तो पी और वी के बीच बनाएंगे तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, इसी से ना पीवी इक्वल टू एनआरटी से बनाया हमने। ठीक है, अगर वी ओ टी के बीच में ला रहे हैं तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मतलब ऐसे बनेगा कि इस लाइन पे क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही प्रेशर टेम्परेचर के बीच में आएंगे तो ऐसे बनेगा कि टेम्परेचर इस लाइन पे कॉन्स्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं साइक्लिक प्रोसेस होता क्या, हमने स्टेट फंक्शन में पढ़ा था कि जो साइक्लिक इंटीग्रल है साइक्लिक प्रोसेस का, स्टेट फंक्शन का किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल है वो जीरो होता है। फिर इसमें साइक्लिक प्रोसेस होता है वो देखने, देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस वो होता है जिसमें इनिशियल जो फाइनल स्टेट होती है ना वो सेम होती है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, लूप फॉर्म कर रहे हैं। ये लूप वर्ड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि हम ए टू बी जा रहे हैं, ठीक है, फिर हम बी टू ए आ गए, ए टू बी गए, फिर हम बी टू ए आ गए, मतलब ये क्या है, ए टू बी जा रहे हैं, बी टू ए जा रहे हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट मतलब आग हम कहाँ रहे, ए पी रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट है वो तो सेम होगी, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक लूप फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइक्लिक प्रोसेस। लूप वर्ड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर हम जैसे हम कार्नोट साइकिल में ग्राफ बनाते हैं पीवी का, तो उस टाइप का ग्राफ बनाया हुआ मैंने। देखो पहले हम यहां से यहां गए, वन टू थ्री फोर, वन से टू गए, फिर टू से थ्री गए, फिर थ्री से फोर गए, एंड फोर से वन गए, आखिरी में हम कहाँ पे आ गए, वन पे आ गए। आ तो इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है और ये क्या बना रहे, लूप बना रहे, तो ये क्या हो गया, हमारा साइक्लिक ग्राफ हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऐसे जा रहे हैं वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर एंड फोर से वन, तो ये भी क्या हो गया, हम कहाँ पे आए, वन पे आ गए और ये क्या बना रहे, एक लूप बना रहे, तो ये भी क्या हो गया, हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो वन से टू जा रहे हैं हम और टू से वापस वन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल फाइनल पार्ट स्टेट तो है जो तो सेम होगी, लेकिन ये साइक्लिक लूप नहीं बना रहे, मतलब ये लूप नहीं बना रहे, तो ये क्या साइक्लिक प्रोसेस नहीं है हमारा। ठीक है, अब आता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रिवर्सिबल में हमारे पास क्या होता है, देखो आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर आपकी आइडियल गैस रखी हुई है। ठीक है, आपके ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, हमने पिस्टन के ऊपर आप यहाँ पे एक बहुत मतलब एक बुक रख दो हैवी सी, तो क्या करेगा, ये इसको कंप्रेस कर देगा, मतलब ये जो पिस्टन है डाउन नीचे चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेप है एक ही बार में हो जाएगा कि आप रखिए आपने बुक पिस्टन के ऊपर, वो एकदम से नीचे चला गया, तो इसको हम बोलते हैं फास्ट प्रोसेस है और सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, और आपको एग्जाम में रिवर्सिबल नहीं लिखा होगा, आपको एग्जाम लिखा होगा एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो आपको एट कॉन्स्टेंट प्रेशर समझना पड़ेगा कि वो रिवर्सिबल है। कॉन्स्टेंट प्रेशर मतलब हमने यहाँ पे इसका जो प्रेशर है, ये एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉक की वजह से हमें क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर है, और ये जो इंटरनल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, अब हम क्या करें, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, देखिए क्या हो गया, हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास ये सिमिलरली कोई भी कंटेनर, उसके अंदर आइडियल गैस है। ठीक है,
आइडियल गैस है, उसके ऊपर हमने पिस्टन रखा गया, तो हम कैसे करेंगे? देखो इसके ऊपर हमने एक सैंड पार्टिकल रखा, एक्सटर्नल प्रेशर सैंड पार्टिकल का अप्लाई किया हमने, तो ये जो इंटरनल प्रेशर है क्या करेगा, पहले इसको नीचे करेगा एक्सटर्नल प्रेशर, फिर इंटरनल प्रेशर वापस इसको ऊपर कर देगा, मतलब इक्वली मेंटेन हो जाएगा, फिर एक और रखेंगे, फिर ये वापस इसको नीचे करेगा, फिर ये वापस इसको ऊपर कर देगा, मतलब ऐसे चलता रहेगा। लेकिन अगर काफी टाइम बाद अगर हम इन्फिनाइट स्टेप्स करें तो ये क्या होगा, ये फिर नीचे आएगा आखिर में, क्योंकि इसमें हमें क्या किया, इन्फिनाइट स्टेप किए कि ऊपर वाला प्रेशर तब ज्यादा हो जाएगा ना इन्फिनाइट स्टेप करके, तब ये नीचे चला जाएगा, तो इसको हम इन्फिनाइट स्टेप करते हैं इसमें, और ये होगा स्लो स्टेप होगा, क्योंकि हमने पहले एक रखा, फिर दो रखा, फिर तीन सैंड पार्टिकल रखे थे, इसलिए स्लो हो गया। और जिसमें जो एक्सटर्नल प्रेशर वेरिएबल है, क्योंकि हम पहले थोड़ा सा रखते हैं फिर थोड़ा सा रखते हैं, और इस बार में हमें क्या करना था, एकदम से कॉन्स्टेंट प्रेशर रख दिया था, तो ये जो वर्ड है ना कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बात को याद रखना, ठीक है। उसके बाद हीट, तो हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या होता है, हीट कैपेसिटी होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है, हीट एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम हीट ले रहा है, तो मैंने क्या बताया, सिस्टम हीट ले रहा है, तो मतलब ऐसे साइन आया तो हम लगाएंगे पॉजिटिव, तो क्यू आ गया पॉजिटिव, और 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज है तो हम ये लगा देंगे, तो हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला बन गया क्यू बाई टी डेल्टा टी, ठीक है। और जो हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, हमारा पाथ फंक्शन होता है, ये मैंने आपको पाथ फंक्शन के लिए बताई दिया था पीछे कैसे होता है ये। उसके बाद हमारे आता है जो सेम टर्म्स है ये कैसे होती है, देखो मोलर हीट कैपेसिटी में क्या करना है, ये भी वही रहता है, सीएम आ गया तो मतलब मोलर लग जाएगा, ये भी वही होता है, इसमें क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस टू रेज द टेम्परेचर 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मुला भी सेम सा है, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन मतलब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर हम फिर सीएस देखते हैं, सीएस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये किसके लिए होता है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज करना है हमें, तो उसके लिए हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे हीट कैपेसिटी वाला फॉर्मुला क्यू बाई डेल्टा टी, और यहाँ पे हम लगा देंगे डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हमारा वेट हो गया, ठीक है। उसके बाद सीपी, सीपी क्या है, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर है जो हमारा कांस्टेंट है और जो हमें सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करना है वो वही है 1 डिग्री सेल्सियस से हमें राइज करना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे क्यूपी लगा देंगे, मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, और एट सीवी हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे क्यूवी लगा देंगे। सिमिलरली अगर हम सीपीएम बोलते हैं, सीपीएम क्या हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट कैपेसिटी सीपी हमारा है क्यू पी बाई डेल्टी, और हमने यहाँ पे एन भी एम भी लगा दिया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी आ गया, मतलब एन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर सिमिलरली हमें मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालें तो क्यू पॉजिटिव सी वी बाई एन डेल्टी, ठीक है। बस अगर आपको ये फॉर्मुला याद है हीट कैपेसिटी का तो आप ये बाकी सारे फॉर्मुलाज भी बता सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास मेयर्स रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये क्या है, सीपीएम मतलब मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस में मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, वो किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। इसको ऐसे मत कर देना, सीपीएम माइनस सीवीएम इज इक्वल टू एनआर मत कर देना, क्योंकि गलत लगेगा, क्योंकि सीपीएम क्या होता है हमारे पास, ये होता है और सीवीएम ये होता है। अगर आप इसको एनआर के इक्वल कर दोगे तो एनआर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि सीपी माइनस सीवी होता है वो होता है एनआर के इक्वल, क्योंकि हमारे एन से एन कट जाएगा, देखो ये लाइन है फिर इससे कट जाएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे एन इंक्लूड नहीं हुआ, ये बात याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब जो हमारा हीट कैपेसिटी वो वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हमें प्रोसेस दे रखे हैं, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या होता है, हमारे पास हीट है वो जीरो होती है, ये तीनों मैंने आपको बताई दी थी, ठीक है। तो इसमें हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू बतानी है, तो कैसे होगी, देखो सी क्या हो गया प्लस का क्यू बाई डेल्टी, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस है, मतलब सी क्यूपी आ जाएगा, तो आइसोबारिक है मतलब प्रेशर कॉन्स्टेंट, तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यूपी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब आइसोथर्मल है मतलब डेल्टी जीरो हो गया, मतलब डेल्टी जीरो हो गया, तो सी इज इक्वल टू प्लस क्यू बाई जीरो क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो आइसोथर्मल के केस में सी कितना होगा, इन्फिनिटी, मतलब हीट कैपेसिटी कितनी होगी, इन्फिनिटी। आइसोकोरिक प्रोसेस में कितना होगा, क्यूवी, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो गया, क्यू जीरो हो गया, एडियाबेटिक में हीट है वो जीरो जाती है, तो क्यू जीरो हो गया, तो क्यू बाई टी तो कितना हो गया, जीरो। तो ये था हमारा हीट कैपेसिटी। एडियाबेटिक के केस में क्यू जीरो होता है, डी क्यू जीरो मत कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यू हमारा क्या है, क्यू हमारा पाथ फंक्शन है, इसको स्टेट फंक्शन की तरह डी क्यू जीरो कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्यू इक्वल टू जीरो होता है, ये बात भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, नहीं पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी। अब बाकी जो बच गया हम वो आगे फर्दर क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।